रीवा भोपाल रीवा चलेगी तीसरी ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी थोड़ी राहत। शनिवार को भोपाल के लिए रीवा से 3 रेलगाड़ियां रवाना होंगी। जैसा कि आपको मालूम ही है, रीवा रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन की शुरुआत रीवा जबलपुर शटल से हुई थी। धीरे धीरे यात्रियों का मोह रेलवे से बढ़ा, ट्रेन फुल होकर चलने लगी। पश्चिम मध्य रेलवे के इस स्टेशन से रेलवे ने खूब धन बटोरा। कारण सीधा सा और स्पष्ट था, ट्रेन रूट पर सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियों का होना। धीरे धीरे स्टेशन का विस्तार होने लगा। पहले कुछ ट्रेनें बढ़ी, फिर प्लेटफार्म। वर्तमान में तीसरे प्लेटफार्म का काम तेजी से चल रहा है। वहीं रेलवे यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान देने का प्रयास कर रहा है। आज रीवा रेलवे स्टेशन से दिल्ली, राजकोट, बड़ौदा, बिलासपुर, इंदौर के लिए ट्रेनें चल रही हैं। वहीं भोपाल के लिए 2 साप्ताहिक समर ट्रेनों की घोषणा की गई है। इसका सीधा सा मतलब है, अब रीवा से रेवांचल को मिलाकर 3 ट्रेनों से भोपाल का सफर किया जा सकेगा। रीवा से जाने वाले यात्रियों का कहना है, इस ट्रेन को प्रतिदिन चलाना चाहिए, तभी रेवांचल एक्सप्रेस का लोड कम हो पाएगा। रीवा से भोपाल जाने वाली ट्रेन रीवा से शनिवार को रात्रि 12:05 पर चलेगी। वहीं भोपाल से ट्रेन शुक्रवार को दोपहर 2:20 पर चलेगी। बताया जा रहा है यह ट्रेन 19 कोच की होगी और इसी रूट पर चलेगी जिस पर रेवांचल जाती है। हम आपको बता दें, रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। आपको सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, 3 घंटे से ज्यादा लेट ट्रेन पर टिकट रद्द करवाने पर पूरा पैसा वापस मिलेगा। ऑनलाइन टिकट 139 में मैसेज करके रद्द कर सकते हैं। कंफर्म टिकट यात्रा प्रारंभ करने के 4 घंटे पहले व वेटिंग 30 मिनट पहले तक रद्द हो सकेंगी। साथ ही यात्रा प्रारंभ करने के 24 घंटे पहले यात्री किसी भी स्टेशन से अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं।